हेलो फ्रेंड, आज हम लोग जो प्रीवियस ईयर मैथ का जो प्रैक्टिस कर रहे थे ना, उसी को आज फिर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जो पिछले सेट में कुछ क्वेश्चन रह गए थे, क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 47 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन को पढ़िए। अब बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, बी तथा सी मिलकर उस काम को 25 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि सी प्लस ए मिलकर उस काम को 15 दिनों में कर रहे हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, वो हम लोगों से पूछ रहा है। ठीक है, चलिए जवाब देते हैं इसका। तो ए प्लस बी मिलकर 20 दिन में कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो टोटल वर्क निकालते हैं। क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, तो इसका एलसीएम लेते हैं। तो 20 है, 25 है और फिर 15 है। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, पंचों को 20, पचे 25 और पचती को 15, पंचों को 20, 20 30 60 और 60 पचे कितना हो गया, 300। यानी इसका एलसीएम कितना आ गया, 300 आ गया। क्या आ गया, 300 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है ना, ए प्लस बी का इफिशियंसी यहाँ पे क्या निकलता है मेरे भाई, तो कार्य क्षमता निकलता है। क्या निकलता है, कार्य क्षमता, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इफिशियंसी बोलते हैं, इफिशियंसी बोलते हैं। ठीक है ना, ए प्लस बी का कार्य क्षमता कितना आ जाएगा, तो कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए, जिनको आता है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो भी सीख लीजिए। 10 से 10 कैंसिल करेंगे तो यानी 15। ठीक है, ऊपर टोटल वर्क निकाल देंगे, काम कितने दिनों में कर रहा है, तो 20 दिनों में कर रहा है, तो एक दिन में कितना निकालेगा, 15। कार्य क्षमता क्या बोलते हैं, जो एक दिन में कितना काम करेगा उसी को ना कार्य क्षमता बोलते हैं। हाँ, तो कितना आ गया, तो इसका आ गया 15। ठीक है, तो उसी को बार बार हम इस तरीके से नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 25 चौको कितना होता है, 100, तो 25 चौको 100 हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 12, 12 टाइम में कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसको करेंगे तो 15 दुनी को 30 यानी 20 आ जाएगा सी प्लस ए का एफिशिएंसी। ठीक है, हम लोग से क्या पूछा था कि ए इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा, यही पूछ रहा था ना। हाँ, तब यहां देखिए कि एक दिन में ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए मिलकर कितना काम को कर ले रहा है। ठीक है, तो देखिए 5 और 2 कितना हो गया, 7, 5 और 2 7, 3 और 1 4 यानी 47, 47 काम कर ले रहा है। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे गौर किए, क्या गौर करने वाली बात है कि ए यहाँ पे कितने टाइम्स आए हैं, तो 2 बार आए हैं। ए कितने बार आए हैं, तो 2 बार आए हैं। उसी तरीके से बी कितने बार आए हैं, तो 2, और सी कितने बार आए हैं, तो 2। यानी ए 2 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, सॉरी सी भी 2 बार, तो 2 से यहाँ पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये किसका आ गया, ए प्लस बी प्लस सी का कार्य क्षमता आ गया भाई। क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी का क्या आ गया, तो कार्य क्षमता आ गया। ठीक है, हम लोग से पूछ रहा है ए का एफिशिएंसी बताइए, मतलब ए कितने दिनों में काम को समाप्त कर लेगा। तब सबसे पहले हम लोग को उसको क्या करना होगा, एफिशिएंसी निकालना होगा। क्या करना होगा, एफिशिएंसी ए का। तो बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, बी प्लस सी का एफिशिएंसी हम लोग का कितना है, 12 है ना, 12 है ना, और टोटल का कितना है, 47/2 है। तो ए का एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, 47/2 - 12 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं तो नीचे 1, चलिए फटाफट करते हैं। 2 तो 47 हो जाएगा, 47 में से 24 चला जाएगा, 2 एकम 2 12 दुनी को 24। ठीक है, तो 7 में से 4 गया 3 और 4 में से 2 गया तो 2 और बटे में 2, यानी ए का एफिशिएंसी कितना आ गया, ए का एफिशिएंसी कितना आ गया, तो 23/2 किसका एफिशिएंसी आ गया, ए। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है, यानी कुल काम हमारा कितना है, तो कुल काम हमारा कितना है, TW मतलब क्या हो गया, टोटल काम, टोटल काम कितना हो गया, 300 है ना। ए का एफिशिएंसी कितना है, तो 23/2 तो बटे में 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, कट तो नहीं रहा मेरे ख्याल से, 600/23 दिनों में क्या कर लेगा, काम को समाप्त कर लेगा, 600/23 ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर बी में हमारा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा, बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आंसर भी देख लेते हैं, 47 का बी, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, किसी घनाभ, घनाभ मतलब क्या होता है, क्यूबॉइड होता है, क्या होता है, क्यूबॉइड मतलब होता है घनाभ। ठीक है,
क्यूबॉइड मतलब घनाव, एक घनाव की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, एक घनाव है जिसका लंबाई फिर क्या दे रखा है चौड़ाई और फिर क्या दे रखा है ऊंचाई। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन, किसी घनाव की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और फिर है 1 सेंटीमीटर। कोई समस्या यहां तक, जो क्वेश्चन में दे रखा था बस उसी को लिखे हैं। लंबाई को 6.2/3% घटा दिया जाए। अब बोल रहा लंबाई को 6.2/3% क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, ध्यान में रखिएगा क्या करना है, घटा देना है। और चौड़ाई को 8.1/3, चौड़ाई को कितना 8.1/3 बढ़ा दिया जाए प्रतिशत में मेरे भाई, ठीक है ना। और जबकि ऊंचाई को अपरिवर्तित रखा जाता है, ऊंचाई में कुछ नहीं करना, ऊंचाई में कोई चेंजिंग नहीं करना है, ठीक है। तो 6.2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू आप लोग को याद है, अगर नहीं याद है तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/15, कितना होता है 1/15। और 8.1/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/12, बहुत बढ़िया, क्या 1/12। इसका मतलब ए होता है मेरे भाई, समझिएगा कि अगर 15 है उसका 6.2/3% निकालिएगा ना, 15 है अगर इसका 6.2/3% निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो 1 की क्या हो रहा है घटाना है ना, तो घटाना है तो 15% का 6.2/3% करेंगे तो 1 आएगा, तो 15 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14। किताब में बोला था कि लंबाई जो है 15 सेंटीमीटर है, लंबाई जो है 15 सेंटीमीटर, हम लोग के अकॉर्डिंग में कितना है 15, लेकिन जब चेंजिंग कर रहे हैं 1% घट मतलब 6.2/3% घटा रहे हैं, तो 15 का 6.2/3% घटा रहे हैं तो कितना घट रहा है 1 घट जा रहा है, तो 1 घट जा रहा है तो मतलब इसका कितना हो गया 14 बन गया कि नहीं बन गया। और जिसको निकालना उसको क्या करते हैं बगल में गुना कर देते हैं पिछले सवालों की तरह, है ना। उसी तरह इसमें करिए 8.1/3% मतलब कितना बताए 1/12, 8.1/3% का मतलब कितना हो गया 1/12, तो प्लस करेंगे ना, क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि 12 था पहले से, हम लोग भी बोलेंगे क्या 12 ही था, है ना। जब 12 का 8.1/3% निकाले तो 1 आ गया, कितना आ गया 1, तो इसमें 1 बढ़ाना है कि घटाना है, तो बढ़ाना है, तो बढ़ाना है तो क्या करेंगे यहाँ पे 13 हो जाएगा, क्योंकि 1 बढ़ाएंगे तो 12 से 1 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा, ठीक है। और इसको तो अपरिवर्तित ही रखा था 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर, चलिए इसको खत्म, इसे ये खत्म, यानी अब हो गया हमारा 14 सेंटीमीटर, ये हो गया 13 सेंटीमीटर और ये हो गया कितना 1 सेंटीमीटर, यहां तक कोई समस्या नहीं। फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, कह रहा है किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, लंबाई को 6.2/3% घटाया जाए और चौड़ाई को 8.1/3% बढ़ा दिया जाए जबकि ऊंचाई को अपरिवर्तित रख दिया जाए। चलो यहां तक तो सही है। घनाव के लंबाई और चौड़ाई से बने आयत, मतलब जो घनाव है ना, घनाव के लंबाई और चौड़ाई से बने आयत, आयत मतलब क्या हो गया रेक्टेंगल, आयत मतलब ये हम अपना सुविधा के लिए लिखते हैं, ठीक है ना, हमको कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। घनाव के लंबाई और चौड़ाई से बने आयत का आधार मानते हुए, है ना, कि जो घनाव है जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का है ना, इसका क्या का लंबाई और क्या है चौड़ाई से बने आयत, तो आयत मतलब रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में क्या होता है अपोजिट साइड क्या होता है इक्वल होता है, क्या होता है अपोजिट साइड इक्वल, मतलब जितना बड़ा ए है उतना बड़ा ए, जितना बड़ा ए जितना बड़ा ए, है ना। अगर इसको हम 13 सेंटीमीटर मान लेते हैं और इसको 14 सेंटीमीटर मान लेते हैं, यही ना क्वेश्चन में कह रहा है, हाँ, इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी एरिया निकालने के लिए लेंथ इनटू ब्रेथ करते हैं, तो 14 × 13 करेंगे, है ना, 14 × 13 तो 140 हो जाएगा और 14 × 42 यानी 182 आ जाएगा क्या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई समस्या नहीं। तो बोलता है तो फलकों में कुल क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन है, दोनों के बीच में कंपेरिजन करते हैं तो कितना परिवर्तन है, तो इसमें भी क्यूबॉइड है ना, तो क्यूबॉइड का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो लेंथ कितना है 14 सेंटीमीटर यहाँ और कितना है 12 सेंटीमीटर,
और ये कितना है 1 सेंटीमीटर, 14 × 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा कि नहीं, तो 182 सेंटीमीटर क्या आ गया, क्यूब आ गया, क्या आ गया 182 सेंटीमीटर क्यूब। तब बोल रहा है क्या, मानते हुए 4% फलकों में कुल क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन है, क्षेत्रफल में कहां कुछ परिवर्तन है, 182 यहां भी है, 182 यहां भी है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कोई परिवर्तन नहीं, ऑप्शन नंबर सी 49 का सी, समझ में आ रहा है ना 49 का सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप देख भी रहे होंगे, ठीक है ना। कह रहा है क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 400, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 400, कोई समस्या यहां तक लिखने में, क्या समस्या है, एक्स इज टू वाई इज टू जेड है ना, एक्स इज टू वाई इज टू जेड इज इक्वल टू कितना है 1:1:2, ठीक है। तो पूछ रहा है जेड का मान क्या है, जेड का मान क्या है, यही है ना, तो तीनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो हम भी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे रेशियो में, तो 1 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, जेड का वैल्यू निकाला था, जेड का कितना वैल्यू है 2, तो 2 से गुना, जो किताब में बोलेगा यानी जो क्वेश्चन में बोलेगा उसको ऊपर, हम लोग के अकॉर्डिंग रहेगा जो रेशियो वाला, जिसको नीचे और जिसको निकालना उसको क्या करते हैं बगल में गुना कर देते हैं, तो इससे कितना खत्म हो गया 100 टाइम में, और 100 × 2 = 200, 100 का टेबल भी आ गया नहीं तो 200 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, है ना, जो सिंप्लीफिकेशन है बहुत ही इजी है। कह क्या रहा है 3/4 इंटू, मतलब क्या मल्टीप्लाई लिख सकते हैं ना 1/3, और डिवाइड में है तो 2/1 लिख सकते हैं उलटकर, वेरी गुड, प्लस 1 और 5 है, यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 लिख दिया, ठीक है ना, तो 5 × 2 से कितना हो जाएगा 10 माइनस क्या तो 2 × 3/2। अब यहाँ पे आप इन मत गलती करिएगा, तो पहले प्लस में है तो पहले प्लस में कर लें, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना तो पहले मल्टीप्लाई का काम हो जाएगा ना, इसलिए आप यहाँ पे गलती मत कर दीजिएगा, प्लस पहले ही कर लीजिए, ठीक है ना, बुडमास के रूल से ही चलेगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। अब यहां से देखिए क्या करेंगे, 3/4 इंटू यहां से 2 × 1 = 2 और 3 × 1 = 3, 2/3, कोई समस्या, 2 × 1 = 2 और 3 × 1 = 3, ठीक है, प्लस यहां से जब 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8/5 इंटू 3/2, यहाँ पे क्या कर देते हम लोग, प्लस कर देते तो फिर गलत हो जाता, क्योंकि अब इसका काम हो रहा, देखिए 2 × 4 = 8 हो गया कि नहीं, और प्लस 2/3, प्लस क्या है 2/3, देखिए 3 से 3 कैंसिल कर लीजिए तो, और 2 से 2 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 1/2, 1/ क्या बच जाएगा 2, 1/2, ठीक है, प्लस 4 × 3 = 12, और नीचे में कुछ नहीं बचा तो 5, और प्लस में क्या 2/3, कोई समस्या नहीं, तो 2, 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 5 × 10 = 10, 10 × 3 = 30 है ना, तो ये हो जाएगा 15 बार में, तो ऊपर क्या हो जाएगा 15 × 10 = 30 होता ना मेरे भाई, 15 × 10 = 30, 5 × 6 = 30, तो 12 × 6 = 72, 10 = 20। अब इसका सम करिएगा तो कितना आ जाएगा 20 × 70 = 92, 20 और 70 हो गया 92, ओवरऑल 92 और 10 = 102 और 107, 107/30 क्या कट रहेगा किसी से, 3, 7 × 8, 3 से तो नहीं जा रहा है, आंसर क्या दे रखा है 107/30 है ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 46 का ए, ठीक है ना, 46 का ए, 107/30 हमारा क्या हो जाएगा तो सही आंसर हो जाएगा। इसका एक और क्वेश्चन छूटा हुआ था, अभी जस्ट करवा दे रहा हूँ। 48 देखिएगा, इस फिगर से हम लोग को रिलेटेड इस 3 क्वेश्चन था, कितने क्वेश्चन थे 3 क्वेश्चन थे। कह रहे कार्यालय में यदि लैपटॉपों का कुल संख्या है 3800, लैपटॉप कितना है 3800 है, टोटल कितना लैपटॉप है 3800, इसको साइड में लिख लेते हैं, ठीक है, टोटल कितना है तो 3800 टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप इन द ऑफिस, ओके। कह रहे तो कंपनी C2 तथा C5 के लैपटॉपों की संख्या में अंतर कितना है, C2 कंपनी C2 है और एक कंपनी C5 है, ठीक है, तो C2 में कितना है भाई 22% लैपटॉप की नंबर कितने हैं 22 और C5 में कितने हैं तो 13% है, ठीक है, तो एक सर्कल है तो सर्कल कितने डिग्री का होंगे पूरा ओवरऑल, तो 360 डिग्री का, इसका 22% निकालिए। अब यहां पे गलती मत कर लीजिएगा, परसेंटेज में डिफरेंस निकाल लीजिएगा,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैपटॉपों की संख्या दे रखा है। क्या दे रखा है? लैपटॉपों की संख्या। तो लैपटॉप की संख्या निकालना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। और बहन भी एक कमेंट किए थे कि आपसे केवल भाई नहीं पढ़ते हैं, आपके बहन भी पढ़ते हैं। तो हम बोले ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ऐसा रिप्लाई करेंगे कि भाई नहीं, दोनों दोनों के लिए, ठीक है। अब नाखुश मत होइएगा मेरे से। क्या कर रहा था, भूल गया। हाँ, थ्री हो गया और थ्री सिक्स कितना हो गया, नाइन। और सिक्स बताया था ना मल्टीप्लाई इलेवन से करने का तरीका, 36 × 9 करना, इसको जो थोड़ा सा एक्सपेंड कर देना, बढ़ा देना है, और इन दोनों का सम कर लेना, जो बढ़ाए थे ना उसको मिला भी दीजिए, है ना। तो 396 आ गया। क्या आ गया? 396 का मल्टीप्लाई आ गया, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 5। मतलब C2 में लैपटॉप की संख्या कितनी है, तो 396 डिवाइडेड बाय 5 यानी बाय 5। और इसका निकालेंगे तो 360 × 30 डिवाइडेड बाय 100, 100 से 10 कैंसिल, ओ तेरी, हाँ 5 18। तो 18 × 13 करेंगे तो 18 × 10 कर लेंगे तो 180 होगा, 18 × 3 = 54, तो 234। क्या मैं सही कर रहा हूँ? 234/5 सही जोड़ा ना, 180 और 54, 8 × 5 = 13, हाँ 234, ठीक है, ठीक है। यानी C5 में लैपटॉपों की संख्या कितना हो जाएगा, 234। हम लोग को ऊपर दे रखा था क्या, कार्यालय में यदि लैपटॉपों की कुल संख्या कितनी है, 3800। किसके अनुसार? क्वेश्चन के अनुसार। मेरे अनुसार कितना होगा, हम लोगों के अनुसार कितना होगा, तो 360। क्यों? क्योंकि सर्कल कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा, ठीक है। तो अंतर बताना, तो इसका अंतर यानी डिफरेंस निकालना होगा। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 और 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा, तो 396 − 234। 6 में से 4 गए तो कितने बचे भाई, 2। 9 में से 3 गए तो कितने बचे, 6। 3 में से 2 गए तो कितने बचे, 1। 162/5 जो निकालना है जिसे, उसको क्या करते हैं, बगल में गुना कर देते हैं। तो बगल में आप गुना कर दीजिए, 162/5। अब जब काट छट मचाएगा, मचाइए, 18 × 2 को कितना होता है, 36, है ना। 18 × 9 कितना हो जाएगा, 68 से, यानी 162 होता है ना, 18 × 9, हाँ। अब इसको जब करेंगे, अब किससे करते हैं, इससे कर देते हैं, 19 × 2 को कितना हो गया, 38, 190 और बटे में 5, तो 19 × 9 कितना होता है, 71 से, यानी इतना बटे में 5, इसको अभी भी तो जा रहा ना, 35 × 15 = 16, 17 दो बच गए तो 21 हो गए, 5 × 20 हो गए और 5 × 2 = 10, यानी 342 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। इनके बीच का अंतर यानी लैपटॉपों के बीच का अंतर कितना आ जाएगा, 342। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज यहाँ तक ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अच्छा लगा तो पहले आप लाइक करिएगा, है ना, और फिर क्या कर लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आने वाला अपडेट आपसे मिस ना हो, ठीक है। धन्यवाद।